आज का टॉपिक है अनुपात एवं समान अनुपात। अनुपात का मतलब होता है ये, देखो ये चिन्ह जो होता है ना अनुपात होता है, असमान अनुपात का ये चिन्ह होता है। समान अनुपात नहीं, समान अनुपात में यानी बराबर, ठीक है। अब जैसे लिखा है चार और पाँच, चार पाँच लिखा है और इसमें ये साइन लिखा है, तो चार अनुपात है पाँच। अब यहाँ पे लिखा है दो अनुपात एक, ठीक है, और समान अनुपात दो अनुपात एक समान अनुपात चार अनुपात दो। अब ये समान अनुपात में है, लेकिन कैसे है? समान अनुपात का मतलब है कि बराबर। तो देखो बराबर करके बताते कैसे, दो बटे एक हुआ, ठीक है, दो बटे एक समान अनुपात मतलब बराबर। और इधर कितना लिखा है चार बटे दो, अब इसको काट देते हैं, दो एक कम दो दूनी, जो कहा है वो आना चाहिए, तो कितना हुआ दो बटे एक बराबर दो बटे एक, तो हुआ समान अनुपात में दो अनुपात एक समान अनुपात दो अनुपात एक। आगे समझ में? तो इतना ही हमको पढ़ना ही है, समान अनुपात कोई भी चीज़ें रहेंगी। कुछ चीज़ें और हैं, बेसिक चीज़ें हैं समान अनुपात में। जैसे मान लो कि दो लीटर लिखा है, दो सेंटीमीटर ले लेते, ठीक ना, दो सेंटीमीटर लिखा है और लिखा है छः मीटर लिखा है, और इसको अनुपात में विभाजित कीजिए, तो ये सॉल्व नहीं होगा। रीजन बता देता हूँ, अनुपात तभी सॉल्व किया जाता है जब उसकी यूनिट एक जैसी हो। जैसे यहाँ सेंटीमीटर लिखा है और यहाँ मीटर लिखा है, अलग अलग यूनिट है, तो अलग अलग यूनिट सॉल्व नहीं होंगी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यूनिट को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो सेंटीमीटर अनुपात छः मीटर का मतलब यहाँ पे हम अनुपात लगा दिए। अब इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, एक मीटर बराबर सौ सेंटीमीटर, जब एक मीटर में सौ सेंटीमीटर होते हैं तो छः मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, छः मीटर इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर आया। अब यूनिट हमने सेम कर ली, चाहे सेंटीमीटर बनाई चाहे मीटर बनाई। अभी हम लिखेंगे दो सेंटीमीटर अनुपात 600 सेंटीमीटर। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं भाई, अनुपात में सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, फिर दो एक कम गया और दो त्याई गया, अनुपात लगा दिए। एक ये प्रोसीजर है काटने की, एक ऐसे लिख देते दो सेंटीमीटर और बटे लिख देते 600 सेंटीमीटर, तब भी आंसर आना था, सेंटी सेंटी गया मीटर भी गया, दो एक कम और दो त्याई, तो आंसर क्या एक बटे तीन, मतलब एक अनुपात तीन। आज में पूरा यही चलता है। अब अनुपात के जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको बीच बीच में फार्मूले बताते जाएंगे, तो आप नोटिस करते जाना। तो हम क्वेश्चनों करते हैं ना बेसिक, क्योंकि आर्मी जीडी का अग्निवीर जीडी का पेपर जब होता बहुत सरल क्वेश्चन आएगा, बहुत सरल। पहला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, 15/27 का सरलतम रूप लिखिए। तो इसके लिए आपको विभाज्यता नियम आपको पढ़ना है, विभाज्यता नियम आपसे आना चाहिए। और सरलतम रूप का मतलब आपको एक ऐसा नंबर लेना है दोनों नंबर सेम नंबर से कटें, अंश और हर। तो हम क्या करते हैं 15 को 3 से काटते हैं, तो 3 × 5 = 15, तो 27 को भी 3 से ही काटना है, तो 3 × 27 तो क्या हुआ 5/9। अब आपका आंसर आया 5/9, ठीक है, लेकिन यहाँ कहीं नहीं लिखा है, नहीं लिखा ना, तो क्या लिखोगे इसको 5/9, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो, 5:9 करेक्ट आंसर। समझ आया? तो ये कंफ्यूजिंग ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में कि मतलब दिया रहेगा अनुपात में आंसर और क्वेश्चन रहेगा काहे में भिन्न में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें लिखा 60 छात्रों 30 छात्राओं की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात तो डायरेक्ट 0:0 कट गया, 3 × 1 कटा 3 × 2 कट गया, तो क्या हुआ 2/1, ये आंसर आपका आ गया, ठीक है, समझ आया, बस आसानी से। अब आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, 5261 और 441 के बीच अनुपात क्या होगा, इसका आंसर आपको कमेंट्स करना है। अगर आपसे अनुपात निकालना आता है तो कर लेंगे, अदरवाइज हवा नहीं लगेगी। एक क्वेश्चन दिए हैं क्योंकि आप होशियार हैं, मुझे पता आप ज़्यादा होशियार हैं, तो एक क्वेश्चन और दिया 141/1331, इसको सॉल्व करना है। वेरी इंटेलिजेंट है तो कोई बात ही नहीं है, अगर इंटेलिजेंट भर हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं। एक क्वेश्चन और देते खुशी के मारे, जब मन हुआ ऐसा कि 343 और 49 के बीच का आपको अनुपात निकालना है, ठीक है। तो चाहे मैं यहाँ पे अनुपात लिख दिया तो डायरेक्ट इसको सरलतम रूप में कन्वर्ट करना, ध्यान रखना किस रूप में, सरलतम रूप में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2 लीटर पेट्रोल का 500 मिलीलीटर पेट्रोल से क्या अनुपात होगा। अब देख लो यहाँ पे लीटर आ गया और यहाँ मिलीलीटर आ गया, तो हम इसको क्या बनाएंगे मिलीलीटर में,
ठीक है, तो मिली लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये क्वेश्चन जो है ना, 2 लीटर का क्या हो जाएगा, इतना 1000 के इंटू हो जाएगा, ठीक है, मिली लीटर में। और अनुपात बनाना है तो 500 हो जाएगा, मिली लीटर मिली लीटर सेम हो गया, मिली लीटर कट गया है, 0 दोनों कट चुके हैं, 5 एक कम कटा, 4 को कटा, तो 4:1 हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर ये हुआ, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 करते हैं। 4 में दिया है 280 का मतलब इंटू 200 के 80% का, तो लिखिए आप 200 का 80% मतलब होता है 100, ये दोनों कट गए, ठीक है, तो 8 × 2 कितना हुआ 16, 160 है पहले का, 300 के 50%, ठीक है, तो 300 के 50% निकाल देते हैं, 300 का 50% मतलब हुआ 100, 0 0 दोनों कट गए, और 3 × 5 = 15 यानी 150 है, ठीक है, के बीच क्या अनुपात होगा, तो अनुपात मतलब फिर से आप जानते हैं, तो 160:115, 0 0 कटा, आप 16 और 15 तो कट ही नहीं रहे हैं, तो आंसर 16:15 आएगा, समझ में आया, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 2 की पावर 4 अनुपात है 2 की पावर 3 का अनुपात किसके तुल्य है, तो ध्यान दो इधर, 2 की घात 3 है और ये 2 की घात 4 है, तो जब 3, पहला नियम ये है कि 2 की घात 3 है और ये 2 की घात 4 है, तो दोनों कट गए, तो इसमें कितना बचा, 1 बचा, इसमें कितना बचा, 2 बचा, तो 2:1 हुआ, लेकिन मुझे पता को समझ नहीं आया, तो इसके लिए क्या करेंगे, समझाते हैं आपको, 2 की घात 4 अनुपात है 2 की घात 3, ये कह रहा कि 2 को 4 बार लिख लो भाई, लिख दिए पहले वाले को 2 को 4 बार, बटे 2 को कितने बार लिखना है, 3 बार लिख दो, अब देखो 1 1 1 1 1 1, तो ऊपर बचा क्या 2, और नीचे क्या बचा, ये कुछ बचा नहीं, 2:1, इसका आंसर आया, समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, 36:121 का वर्ग मूल अनुपात, अब देखो ये कॉन्सेप्ट है, मैं बोला था ना पढ़ाते समय कुछ फार्मूला आपको बताएंगे, तो वर्ग मूल अनुपात याद रखना, इसका फार्मूला वर्ग मूरा मूरा वर्ग मूल अनुपात का फार्मूला ये होता है, देखो रूट रहेगा और फिर अनुपात फिर रूट रहेगा, इसको कहते हैं वर्ग मूल अनुपात, मतलब जो भी नंबर है उसको अंडर रूट के अंदर रखना है, तो 36√121, ठीक है, तो 36 का आएगा वर्ग मूल 6 का, और 121 का आएगा 11 का, तो 6:11 क्या आया 11, समझ में आ गया, तो वर्ग मूल अनुपात तब बनेगा जब आपसे वर्ग मूल निकालना आता हो गया कि फिर वर्ग ही याद हो। क्वेश्चन नंबर 7, 2:3 का वर्गानुपात, अब इसके लिए भी फार्मूला, वर्गानुपात का मतलब अगर दो नंबर हैं, दो ना है, 1 और 2 है ना, तो इसका मतलब पहले का स्क्वायर अनुपाते क्या होगा दूसरे के स्क्वायर, इसको कहते हैं वर्गानुपात, फार्मूला याद रखना, 2 का वर्ग अनुपाते क्या लिखेंगे 3 का वर्ग, तो 2 × 2 कितना हुआ 4 और अनुपाते 3 × 9 होता है 4:9 आएगा इसका आंसर, ठीक है। मैं मानता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, तो आपको 7:9 का वर्गानुपात निकालना है, वर्गानुपात, ठीक है, क्वेश्चन याद रखना, और एक क्वेश्चन दे देता हूँ, प्रैक्टिस करेंगे तभी परफेक्ट होंगे, प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट, ठीक है, आपको ये लगता है कि मुझसे अच्छी मैथ बन रही, लेकिन इसके पीछे मैंने 15 साल गवाए हैं और पर डे एवरी डे मैंने वर्क किया है, तो आपको भी गवाना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, तो एक क्वेश्चन दे देते हैं, मुझे पता है कि आप वेरी इंटेलिजेंट हैं, तो यहाँ 49:1:1 का वर्ग अनुपात निकालना है, वर्गानुपात, ठीक है, कमेंट्स करना इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 1:3 का घनानुपात, घनानुपात का मतलब होता है किसी भी संख्या की पावर 3, ठीक है, घनानुपात, अब दो नंबर ही हैं 1 और 2 हैं, तो हम a क्यूब ले लिए और b क्यूब ले लिए, आगे समझ में, तो अब इसी को निकालते हैं, तो 1 का क्यूब हुआ अनुपात है 3 का क्यूब, क्यूब का मतलब उस संख्या का 3 बार गुणा करना है, तो 1 आएगा और 3 को 3 बार गुणा, तो 3 × 3 × 3 ऐसे कर लेना, आपको अगर दिक्कत होगी ऐसे 1 × 1 × 1 लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, 1:3 × 27, तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दे ही देता हूँ क्योंकि आपको समझ में आ ही चुका है, कोई दिक्कत है ही नहीं, तो 12 और 15 का घनानुपात ज्ञात करना है, घनानुपात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 1:3 तथा 2:3 के व्युत्क्रमों के योग का अनुपात क्या होगा, तो पहले दोनों का व्युत्क्रम कर लीजिए, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, उल्टा करना है, तो 1:3 लिखा है, तो इसका व्युत्क्रम जब करेंगे उल्टा, तो 3:1 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे 2:3 लिखा है, तो 2:3 का जो व्युत्क्रम होगा उल्टा 3:2 हो जाएगा। अब इनको बोला है दोनों को जोड़िए, इन दोनों को ऐड करिए, तो 3/1 + 3/2, ठीक है, इनको ऐड करते हैं, इसका डायरेक्ट इंटू हुआ, तो 2 + 6 + 3 ये, अब 2 तो क्या हुआ 9,
और 9/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 9:2, 9:2। इसका करेक्ट आंसर ये होगा। आगे समझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं ट्रिक बताता हूँ, शॉर्टकट, ठीक है। देखो, ए अनुपाते बी लिखा है, ए अनुपाते बी, दो और लिखा क्या, बी अनुपाते सी, ठीक है। और बोला क्या है, अनुपाते बी अनुपाते सी निकालिए, तो क्या लिखना, पहले ए अनुपाते बी अनुपाते सी पूरा लिख लिए, और फिर देखो दिया क्या है, अनुपाते बी का मान 2:3 है, तो आप लिख दो 2:3, तो लिख दिए। इसके बाद क्या है, बी अनुपाते सी का मान जो है 5:3, तो हाँ बी अनुपाते सी 5:1 लिखा, ठीक है। अब इसके बाद इंटू करना है, तो देखना इन दोनों को पहले इंटू करिए, 2×5 क्या हुआ, 10, आगे समझे अनुपात, फिर इन दोनों को इंटू करिए, तो 3×5 कितना हुआ, 15, आगे समझ में। अब फिर लास्ट में इन दोनों का अनुपात, 3×1, तो 3×1=3, तो इसका अनुपात 1:10, बी का अनुपात 15, और सी की वैल्यू क्या आ गई, 3, तो इसका करेक्ट आंसर 10:15:3 होगा ये, आगे समझ में। एक ये मेथड है, दूसरी मेथड ये है कि जैसे लिखा है ए अनुपाते बी बराबर 2:3, ठीक है, और फिर लिखा बी अनुपाते सी, बी अनुपाते सी लिखा है कितना, 5:1। अब इसमें हमें ए बी सी का मान निकालना है, तो पहला काम क्या करिए, इन दोनों को इंटू कर दीजिए, 2×5 कितना हुआ, 10, आए समझ में। फिर दूसरी बार क्या करिए, इन दोनों को इंटू करिए, ऐसे पहले इन दोनों का इंटू, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, कुल मिला के एन बना दीजिए, तो 3×5 कितना हुआ, 15। अब लास्ट में सामने का 3×3, आए समझ में, ये दूसरी ट्रिक है, पहले इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, आए समझ में। चलिए क्वेश्चन अगला करते हैं, यदि a बराबर b का 2/3 और b बराबर c का 4/5 हो, तो a अनुपाते b अनुपाते c क्या होगा, ये बराबर है, यहाँ अनुपात ही लिखा होना चाहिए था, अगर अनुपात ही होता तो सही होता, ठीक ना, डिवाइड लिखा है ना, डिवाइड से आएगा, तो देखो हम इसी ट्रिक से करते हैं, ठीक है, इस वाली ट्रिक से करते हैं। तो पहले को पहले से इंटू कर दीजिए, देखो a इंटू b कर दे रहे हैं, यानी 2 का गुणा किसमें किए, 4 में, 2×4=8, आए समझ में, तो यहाँ पे ये 8 आया। फिर क्या करेंगे, दूसरे को 3 का गुणा किससे कर दिए, 4 से, तो 3×4 कितना हुआ, 12, अब फिर लास्ट को लास्ट से 3×5=15, एक यही नियम आपको लगाना है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी से आ जाएगा। देखो कैसे, 2:3 लिखोगे पहले, और फिर 4:5 लिखे, और फिर वही 4×2=8, 4×3=12, और 3×5=15, आया समझ में, ये करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन अगला करते हैं, इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 13 में ए और सी का मान ज्ञात कीजिए, ए अनुपाते बी दिया है, बी अनुपाते सी, तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार से ए बी सी का मान निकाल लेना इस विधि से, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या करना, ए सी का, तो ए ये वाला कहलाएगा और सी ये वाला कहलाएगा, अनुपात दिखा देना, ठीक है। चलो करते हैं, तो हम लिखते हैं 2:3 लिखे, फिर लिखेंगे 4:5 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद 4×2=8, 4×3=12, 5×3=15, बोला क्या है, ए अनुपाते सी, तो पहला ए है, दूसरा बी है, और तीसरा सी, तो 8 और 15, तो 8:15 इसका आंसर आएगा, है क्या ऑप्शन में, ये देखिए, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 0.4:1.4 और समान अनुपात 1.4 बराबर यक्स हो, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो चलिए यक्स का मान ज्ञात करते हैं। तो अनुपात का मतलब 0.4 का मतलब 0.4/1.4, आया समझ में। समान अनुपात का मतलब हुआ बराबर 1.4/x हुआ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिर्यक गुणा, तो हमें x चाहिए तो इधर आ जाएगा, तो x बराबर 1.4 इंटू ये वाला इधर चला गया इंटू में 1.4 क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, ये इधर चला गया इंटू 0.4। अब x इज इक्वल 1.4 इंटू 1.4 अपॉन क्या हुआ 0.4, आया समझ में। चलिए अब यहाँ डिवाइड कर दीजिए, 2 से इसको काटे तो 0.7 आया, फिर 2 से इसको काटे तो 0.7 आएगा, आ गया समझ में। अब देखो यहाँ 1 अंक बाद दशमलव, ये 1 अंक बाद दशमलव कट गए, सेम, बचा क्या 7×7, तो 7×7=49, कितने अंक बाद दशमलव लगा यहाँ पे, 1 अंक बाद, तो लगा दीजिए 4.9 इसका आंसर आएगा, आगे समझ में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बोला है 3 और 192 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, तो मध्य अनुपात का जो फार्मूला होता है, देखो ए अनुपाते बी समान अनुपात बी अनुपाते सी,
ये कॉन्सेप्ट होता है इसमें, ठीक है। मध्य अनुपात मतलब बीच वाली वैल्यू, ठीक है। तो बी का जब हम इंटू करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी। तो बी इज इक्वल क्या होगा, अंडर रूट ए सी, ये फार्मूला होता है। तो हम निकालते हैं दोनों का इंटू का कर देता है, तो बी इज इक्वल क्या होगा, दोनों का इंटू करिए तो 3 × 1 = 92 हुआ, इंटू करिए 3 × 2 = 6, 3 × 9 = 27 और 3 × 1 = 5, 576। अब 576 का वर्गमूल क्या होता है, 24। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 24। समझ आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये फार्मूले जो है ना इनको याद कर लेना आप कि वही काम करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन दे देता हूँ मध्य अनुपात ज्ञात करने का, ठीक है। 4 और 4 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, का मध्य अनुपात, ठीक है। क्या आएगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, 1.21 और 0.09 का मध्य अनुपात, फिर से सीखा यही फार्मूला। तो बी स्क्वायर इज इक्वल क्या लगाओगे आप, अंडर रूट ए सी। ए सी का मतलब ये ए हुआ और ये सी है, तो आप पुट करो क्या हुआ, 1.21 × 0.09, ठीक है। 121 वर्गमूल का है, का होता है 11 का, ठीक है। और 2 अंक बाद दशमलव लगा था, तो जब बाहर आएगा तो 1 अंक, ठीक है। ऐसे ही 2 अंक बाद दशमलव तो 1 अंक बाहर। और 9 किस संख्या का वर्गमूल है, 3 का, 3 का मतलब 9 का वर्गमूल 3 होता है, 0.3। अब 11 कितना हुआ, 33 हुआ, और 1 अंक ये और 1 अंक ये, तो कितने अंक बाद, 2 अंक बाद दशमलव। आगे समझ में, तो ये देखिए यहाँ पे कहीं होगा, पहला ही ऑप्शन सही। समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये बहुत सरल सा क्वेश्चन है, अब बहुत ही सरल तरीके से इसको हम करेंगे, देखिए कैसे। यक्स अनुपात बाई लिखा है, मतलब याद रखना यक्स का मान 6 है और बाई का मान क्या है, 5 है। तो यहाँ लिखा है ना 5x + 3y, तो आपको क्या करना है, पहले आप प्यार से ऐसे लिख लो, ठीक है, बटे लिख लो अनुपात, मतलब 5x - 3y। अब क्या करो, जहाँ यक्स लिखा वहाँ 6 रख दो और जहाँ बाई लिखा वहाँ 5 रख दो। तो 5 × 6 और +3 × 5, ठीक है। 5 क्यों आया, क्योंकि बाई का मान 5। ऐसे यहाँ 5 × 6 - 3 × 5। अब पहले इंटू कर लेना, हाँ ये नहीं कि 6 × 3 कर दो, 5 × 6 = 30 + 5 = 15, 5 × 6 = 30 - 5 = 15, तो कितना हुआ, 30 + 10 = 40 + 5 = 45, और ये दोनों घटे तो 15 है ना, काट दीजिए, 15 × 3 = 45 और 15 × 1 = 15, ऊपर 3 आएगा नीचे 1 आएगा, तो 3 / 1 इसका आंसर आएगा। समझ में आ गया, हाँ मुझे समझ में आ गया है कि आपको समझ में आ गया है, और आपको अगर समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 18 आप करके दिखाएंगे, क्योंकि यम का मान क्या है, 2 और यन का मान क्या है, 3, और इसमें सॉल्व कर लीजिए रख के, ठीक है। कमेंट्स करना है आपको, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 17 और 18 ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में, सरल से हैं और आपको कन्फ्यूज करेंगे, क्योंकि आपको अगर पता नहीं होगा तरीके सॉल्व करने का। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे अब हम। इसमें लिखा गया है, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है और आसान तरीके से हम करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए एग्जाम में क्योंकि सरल होते हैं, हाँ आप लोगों के लिए कठिन है क्योंकि आपको तरीका नहीं पता कैसे करना ना। बोला गया है 182 रुपये आपके पास है और इसको बांटना कितने लोगों में, 1, 2, 3, 4 लोगों को बराबर बराबर बांट देना है। तो बराबर नहीं बांटना, जैसा अनुपात दिया वैसे बांटना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, पहले अनुपातों को जोड़ दीजिए, तो 4 × 1 = 5, 5 × 10 = 13, आया समझ में। अब इस 13 को जितना नंबर दिया उसमें भाग कर दो, तो 13 × 1 = 13, 18 × 13 = 5, 13 × 52। अगर आपको दिक्कत होगी तो प्यार से ऐसे लिखना 13 और भाग कर लेना, तो 14 आ गया। आगे समझ में, 14 ये 14 रुपये देंगे। अब जैसे बोला है अनुपात विभाजित कीजिए, पहले का अनुपात क्या लिखा है, 3 × 14 × 3, दूसरे का अनुपात 5 × 14 × 5, तीसरे का अनुपात कितना 4 × 14 × 4, और चौथे का 14 × 1 कर दीजिए और आंसर लिख दीजिए, ठीक है। 3, 5, 4, 1 लिखा ना, तो 14 × 3 = 42, 14 × 5 = 70, 14 × 6 कितना होता है, 56, और 14 × 1 = 14, तो 42, 56, 70, 14 है कहीं, ये 42, 70 यही है ना, इसका करेंट आंसर होगा। समझ में आ गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। इसमें भी वही करना है, देखो 300 परीक्षार्थियों के पास परीक्षा हॉल में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है, ठीक है।
हॉल में लड़कों की संख्या कितनी है, इसी प्रकार से निकालेंगे हम। तो अनुपात ये 300 हुआ टोटल, ठीक है। अनुपात के योग 7, 8, 15, भाग कर दीजिए कितना आया, 2, 15 × 30 2 आया ना। अब क्या है, 15 × 30 तो 30 में भाग चला गया तो 15, तो 2 आया, लेकिन एक जीरो बचा था तो 20 हुआ। टोटल कितना आया, 20, ठीक है, डिवाइड करने पे। अब यहाँ पे हॉल में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है, तो लड़के क्या है 7 और लड़कियां क्या है 8, निकालना किसको है, लड़कों से मतलब है आपको। तो लड़कों का अनुपात क्या है 7, तो गुणा कर दो भाई 7 का, 7 × 140, ठीक है, यहाँ ये करेक्ट आंसर। अगर आपको समझ में आ गया तो बताइए लड़कियों की संख्या कितनी है, कमेंट्स करना है आपको, क्योंकि मैंने तो लड़कों के निकाल दिया, देखें कितने इंटेलिजेंट हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट। 20,000 आबादी में से 3/4 आबादी साक्षर है, यानी पढ़ी लिखी है, 3/4 आबादी क्या है, साक्षर है, ये पढ़ी लिखी है व्यक्ति हैं, शेष निरक्षर हैं। तो जब 3/4 साक्षर हैं तो बचे कितने, तो 1 − 3/4 कर दीजिए, पता चले 4 × 4 − 3/4 बराबर कितना हुआ, 1/4, ठीक है। ये साक्षर व्यक्ति हैं 3/4, और निरक्षर कितने हैं 1/4, ये लोग अनपढ़ हैं, ठीक है, निरक्षर। अब आगे देखते हैं, गांव की साक्षरता और निरक्षरता में क्या अनुपात है, गांव की साक्षरता और निरक्षरता यानी साक्षर और निरक्षर कितने हैं, तो एक का अनुपात 3/4 आया था, और दूसरे का कितना आया है, 1/4 आया, यही आया है ना, 4/4 कट गया तो बचा कितना, ऊपर वाला 3 और नीचे क्या 1, तो 3/1 इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया, ठीक है।